नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है RDH सर। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बुक है ये हमने एक पार्सल मंगाया है जो कि फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। और ये जो पार्सल है, ये पार्सल आपको दिख रहा होगा, ये पार्सल में एक्चुअली है ये बुक और वो है CTET पेपर 1 की बुक है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं और इसको साथों में इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और पेपर 1 की है CTET की। इसको शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर की बुक जो है वो कैसी है और क्या है। तो मैं जानबूझकर, मैं अपना अभी नाइट का समय हुआ है, मैं जानबूझकर इसको मैं अपना फेस दिखाए बगैर ये जो है अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये आपने देखे होंगे, ये अभी हमने अनबॉक्सिंग किया। पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसको पूरा निकालने के बाद मैं आपको कवर भी दिखा दूंगा कि ये कैसा क्या है करके। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी लगी इसके अंदर। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आई है और आपको मैं दिखा दूँ, मैंने हटा दिया। ये है बुक, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं ये देख सकते हैं आप। ये है अरिहंत पब्लिकेशन की CTET क्रैकर करके सक्सेस मास्टर, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक मिनट मैं दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की CTET क्रैकर सक्सेस मास्टर CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की यह बुक है। और ये दिया है कि पेपर 1 के लिए है, मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए है। और ये विशेषीकृत अध्ययन सामग्री का संकलन करके दिया है साथ में। इसमें सब्जेक्ट जो इंक्लूड किए हैं वो सब्जेक्ट आप नाम पढ़ सकते हैं। यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब कि साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, भाषा 1 हिंदी, मतलब जिन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिए उनके काम की ये बुक है। भाषा 2 अंग्रेजी, मतलब कि 30 मार्क का अंग्रेजी भी आपका कवर हो जाएगा। गणित मीन्स मैथ्स कवर हो जाएगा आपका 30 मार्क का। और जो बचा पर्यावरणीय अध्ययन है मीन्स एनवायरमेंटल या EVS जिसको हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और इस बुक में ये दिया है नवीनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम NCERT पुस्तकों पर आधारित, तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। और इसमें 3000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब MCQ दिए हैं, जो कि पूर्व वर्षों के प्रश्नों का अध्यायवार विश्लेषण सहित कवरेज है, मतलब कि इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। साथों साथ इसमें लिखा है हल प्रश्न पत्र 2019 एवं 2 प्रैक्टिस सेट्स। तो मैं खुद दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे, मैं खुद 2019 की जो जुलाई को जो 2019 में CTET की एग्जाम हुई थी वो मैंने खुद अपेयर किया और उसके रिजल्ट में मैं पास भी हुआ हूँ, मुझे 103 अंक आए हैं। उस वक्त भी मैंने यही बुक पढ़ी है, पर हाँ ये सेम बुक है शायद, पर ये न्यू एडिशन है। उसकी बुक मेरे पास साइड में है। अब मैं ये वीडियो को पॉज करके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, अगर मेरे टेबल पर होंगी तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ वो वाली बुक। आई होप दोस्तों आपको ये बुक दिख रही होंगी, ये भी सेम है अरिहंत CTET क्रैकर सक्सेस मास्टर CTET सेम बुक है बिल्कुल, बाल विकास शिक्षा शास्त्र सेम बुक है बिल्कुल। पर ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है वो इसमें दिया हुआ है हल करके, और ये वो वाली बुक है। इसी बुक से मैंने पढ़ाई किया जब मैंने जुलाई 2019 की एग्जाम दिया उसके लिए। और इसी का जो न्यू एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन, वो है ये वाली बुक जो अभी हमने अभी मंगाई हुई है। तो ये जो बुक है आपको दिख रही होगी, ये जो बुक है ये न्यू एडिशन है। इसमें क्या क्या आया है थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसका एक बैक कवर आप देख सकते हैं, ये जो न्यू एडिशन है इसका बैक कवर है। अगर आपके पास ये वाली पुरानी बुक होगी ये वाली, तो आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका बैक कवर इस तरीके से कुछ है, तो आप ये भी पढ़ाई कर सकते हैं, सेम बुक है। और अगर आपको न्यू एडिशन चाहिए या 2017 का क्वेश्चन पेपर, 2019 का जुलाई का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उस वो भी आप इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये न्यू एडिशन है, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर भी अवेलेबल है, हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। फ्लिपकार्ट में हमको डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी लगा था इसमें। और ये जो बुक है ये इसका प्राइस आपको दिखा दूँ मैं कितना है, इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा 407 एक दिख रहा है कि आपको दिख रहा होगा 470 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसका ISBN नंबर है 9789318574। तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बुक है। इसका रिव्यू इस बुक का तो कह रही है, बुक मैंने खुद के लिए नहीं मंगाया क्योंकि मैं तो पास आउट हो चुका हूँ पहला पेपर CTET का, पर मैंने मेरी खुद की जो बुक है वो ये बुक है। और इसका कंटेंट मेरे ख्याल से मैं कल वगैरह इसको या अभी थोड़ी समय में बाद ये एक मिनट में अभी ही थोड़ा कंपेयर कर लेता हूँ इसको
इसी वीडियो में और पता देख लेता हूँ कि दोनों में सेम है या कुछ डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो मुझे दिखा विषय सूची जो है अनुक्रमणिका या विषय सूची जिसको बोलते हैं उसमें, वो है ये सॉल्व पेपर्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरी पुरानी वाली जो जिससे मैंने पढ़ाई की वो वाली बुक है, इसमें लिखा है सॉल्व पेपर 2018 दिसंबर और साथ में सॉल्व पेपर 2016 सितंबर, तो ये दो है। और ये जो न्यू बुक है इसमें आपको को दिख रहा होगा ये सॉल्व पेपर 2016 सितंबर जो उसमें भी था वो है, सॉल्व पेपर 2018 दिसंबर ये भी है, साथ में सॉल्व पेपर 2019 जुलाई मतलब जो हमने अपीयर किया और मैंने जो पास किया वो भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ये वो हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी मैंने अभी जस्ट दोनों बुक को कंपेयर किया है, अगर दोनों बुक को जो मैं कंपेयर किया तो हमने पाया कि बस अभी जो मैंने आपको दिखाया तीन क्वेश्चन सेट, तो वहाँ पे 18-18 पेज के जो दिख रहे होंगे आपको 18-18 पेज के, वहाँ पे दो क्वेश्चन सेट है, यहाँ पे साथ में एक क्वेश्चन सेट बढ़ाया है। उसके बाद ये जो बाकी पूरा का पूरा कंटेंट इवन पेज टू पेज सुन लीजिए, पेज टू पेज जैसे बालिकास एवं शिक्षा शास्त्र 21-27 पेज है उसमें भी वही पेज है, मतलब सेम उसकी कॉपी और इसकी कॉपी एग्जैक्ट सेम है, बस वो तीन पेपर को एक पेपर को बढ़ा दिए हैं जो 2019 का जुलाई 7 जुलाई को जो कंडक्ट हुआ वो पेपर इसमें बढ़ा दिया है। बाकी पेज टू पेज ये वाली बुक एकदम सेम है, मतलब अगर आपके पास पुराना मिनी बुक है तो आपको ये नहीं खरीदने की जरूरत है ही नहीं, अदरवाइज आप ये न्यू एडिशन खरीद सकते हैं, और यहाँ अगर आपको सस्ते में पुराना एडिशन मिलता होगा तो आप वो भी खरीद सकते हैं। पर हालांकि मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर ये वाली बुक मिल रही होंगी 2000 जुलाई वाली रिवाइज एडिशन तो आप इसको खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा, दिखने में भी अच्छी है। दूसरी एक चीज़ मुझे फर्क समझ में आया, वो फर्क ये है कि इसकी जो पेज क्वालिटी है न्यू एडिशन वाली ये जो अभी हमने रिवील की है, इसकी पेज क्वालिटी मुझे पुराने वाली जिससे मैंने पढ़ाई की उससे अच्छी लगी। एक ISBN का भी शायद फर्क होगा, मैं एक बार वो भी चेक करके बताता हूँ आपको। जी हाँ, दोनों का ISBN नंबर भी चेंज है। बाकी पेज क्वालिटी में भी मैं अगर कंपेयर करूँ तो पेज क्वालिटी में पुरानी वाली जो एडिशन की बुक है ये वाली, इससे न्यू एडिशन अच्छा है। न्यू एडिशन की क्वालिटी थोड़ी मुझे अच्छी लगी, ये जो क्वालिटी है थोड़ी मुझे एकदम तो नहीं पर थोड़ी बहुत अच्छी लगी वैसे तो, उसके कंपेयर में तो बहुत अच्छी है। और प्राइस डिफरेंस भी है शायद इसका 470 प्राइस न्यू एडिशन का अगर है, पुराने एडिशन का 455 रुपीज़ लिखा है, मतलब कि न्यू एडिशन का प्राइस एक क्वेश्चन सेट पर जब बढ़ाया है तो साथ में 15 रुपीज़ प्राइस भी बढ़ाया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि नया एडिशन लेना आपको पुराएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक्चुअली इसका रिव्यू तो नहीं अभी, खैर ये मेरे पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक से मैंने पढ़ाई किया हूँ वो कैसी है क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। साथों साथ CTET की पढ़ाई अगर करना है, अभी 8 दिसंबर को पेपर होने वाला है नया वाला, तो उसके लिए अगर पढ़ाई करनी है तो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ये सब चीज़ें मैं आपको मेरे अगले किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। और हम KBC की वीडियो जो डालते हैं जो हम 2-3 दिन से नहीं डाले उसके पीछे कुछ कारण है, हमारी जो रैंकिंग वगैरह थी वो डाउन हुई है KBC की तरफ से, क्यों पता नहीं, हमने उसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा बोला मैं नहीं बना पाया, तो वो भी बनाने वाला हूँ। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमको सेम नंबर सेम ईमेल आईडी से हम KBC खेल रहे तो हमारे अंक हमको मतलब जो भी माइनस हुए उसको 2 करके वो बात अब देखते हैं कि वो मानते हैं कि नहीं मानते, अदरवाइज मैं KBC खेलूंगा अभी कि नहीं खेलूंगा कोई गारंटी नहीं है, पर अगर खेलूंगा तो दिखाऊंगा। ये थोड़ा डाइवर्टेड पॉइंट हो जाएगा KBC की वीडियो में, KBC के बारे में अगर इस वीडियो में मैं बात करूँ तो, पर खैर उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो बुक्स है क्योंकि मैंने खुद अभी सेकेंड पेपर जो है सामाजिक अध्ययन विषय लेकर हमने अपेयर करने के लिए फिर से भरा है, उसके लिए मेरे पास में सेम पुरानी जो एडिशन की बुक है वो वाली बुक भी है मेरे पास, उसकी फोटो मैंने वो बुक हाँ उसकी भी बुक फोटो है, मैं एक बार उसकी पीछे पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तो वो है ये वाली। इससे मतलब इस बार हमने नई एडिशन वाली भी आई है जिस तरह, ये मेरा पुराना एडिशन है, ये मैंने नेवर के लिए खरीदा था मेरे बाजू वाले के लिए और उन्होंने इसी बुक से पढ़ाई उनकी पढ़ाई नहीं हुई उनकी तो वो पास आउट नहीं कर पाए, पर उनके पास बुक बची थी तो मैंने बोला उन्हीं की बुक से मैं पढ़ाई करता हूँ करके ये बुक जो है इसको भी लिया, क्योंकि मुझे इसका न्यू एडिशन भी अवेलेबल था बट मुझे वो मिला नहीं, अदरवाइज मैं वो खुद अपने लिए खरीदने वाला था, तो ये मैं पुरानी बुक से ये खरीद मतलब पढ़ाई करने वाला हूँ। और फिर मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि पेपर 1 या पेपर 2, उसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं क्योंकि सिर्फ अरिहंत के भरोसे भी नहीं रह सकते, पर फिर भी ये बुक काफ़ी अच्छी है क्योंकि ऐसे ही अरिहंत की बुक से मैंने MP की जो TET हुई थी वो क्रैक किया हुआ था, तो मुझे अरिहंत की बुक अच्छी लगी। और बाकी जो डिटेल्स बाकी जो फर्क वगैरह है वो मैं ज़रूर अपने किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा।
तो बस दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई रही है, खैर 9 से 10 मिनट की वीडियो है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि न्यू एडिशन कैसा है, क्या है, और CTET के पेपर 1 की बुक का, और बुक का जो रिव्यू है या जो शॉर्ट में कंपैरिजन वगैरह, वो ये तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत किए ही है, पर डिटेल जो कंपैरिजन है वो हम किसी अगले वीडियो में जरूर देंगे एक आधे। तो उसके लिए इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकॉन पर दबाना ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों, बस जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।